मरीज रेवती हॉस्पिटल से रेफर किया गया है, जो कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ये ठेले से जाने के लिए मजबूर है बलिया में। मरीज को ठेला पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं यहाँ के पीड़ित परिवार, और ठेला से ही यहाँ से बलिया ले जाएंगे लोग, क्योंकि ये लोग पैसे वाले नहीं है, गरीब आदमी है, और यहाँ एम्बुलेंस में तेल खत्म हो गया है। इस एम्बुलेंस में यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है हॉस्पिटल का और इस जिले का। ये पीड़ित परिवार कौन है मतलब इनकी बहन है सारे, उनके संबंधी रो रहे हैं। ये मरीज को ठेला से ले जाने के लिए मजबूर है, जो कि बहुत ही गलत है। जी सर, देखा जा रहा है कि रेवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को ठेले से ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस वहां मौजूद है, और एम्बुलेंस कर्मी का ये कहना है कि गाड़ी में तेल नहीं है। सर, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है सर पूरा मामला? ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, मैंने एम्बुलेंस की रेवती से बात की है और एम्बुलेंस के प्रभारी उनसे भी बात की है। यह गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि उस मरीज को वही एम्बुलेंस लेके आई थी, और चूंकि वो रात में बनारस से भी लौटी थी तो उसको तेल का कुछ प्रॉब्लम थी। हालांकि वहाँ एक दो एम्बुलेंस और खड़े थे, लेकिन प्रभारी के अनुसार उसने एम्बुलेंस से जाना उचित नहीं समझा मरीज। जो भी हो, इस प्रकरण की हम विधिवत जाँच कराएंगे और उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ये आखिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेवती में पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, तो ये किसकी लापरवाही मानी जाएगी? इसमें जब तक हम जांच नहीं करा लेते तब तक किसी को जिम्मेदार कहें उचित नहीं है। जांच के बाद